यूपी के मेरठ के परिषदगढ़ थाना क्षेत्र के पुट्ठा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक होमगार्ड ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। आरोपी मृतक के दादा व रिश्तेदार पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। पुलिस ने इस मामले में होमगार्ड व उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए। पुट्ठा गांव निवासी महावीर ने बताया कि लगभग तीन माह पहले उनके पोते रूपक की गांव निवासी होमगार्ड दीपक से कहासुनी हो गई थी। उस दौरान गांव के गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था, तभी से दीपक रूपक से रंजिश रखने लगा। मंगलवार को उनके गांव में शादी समारोह था, जिसमें उनका एक रिश्तेदार प्रमोद भी आया हुआ था। दोनों शादी समारोह में वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि उसके पोते रूपक को होमगार्ड दीपक माठी अभिषेक अनुज ने पकड़ रखा है और उसके साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। जैसे ही वह रूपक को बचाने पहुंचा तो दीपक ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। आरोपियों को पकड़ने के लिए जब वह दौड़ा तो दीपक ने उन पर भी फायरिंग की, हालांकि वह बाल बाल बच गया। हत्या की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर होमगार्ड दीपक समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभी दो आरोपी फरार हैं। वहीं रूपक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी। कहाँ से आए हो? पुट्ठे गांव से आ रहा हूँ जी। क्या क्या हादसा हुआ है, किसके साथ हुआ है, क्या है पूरा मामला? जो है हमारा भतीजा है और भतीजे का जो गोली मारी गई है वो कन्यादान करके आ रहा था। कौन लोग हैं जिन्होंने गोली चलाई है? जो है चार लोग हैं, जो है एक तो है नितिन त्यागी है, अनुज त्यागी, बाकी और उसके साथ हैं तीन लड़के। जो है क्या करते थे ये कुछ पता चला? और कुछ नहीं करता था, भतीजा तो हमारा खेती करता था, गांव का ही काम इल्ला देखता था अपना, जो है और भी इससे मतलब ही नहीं रखता था फालतू। किस बात को लेकर विवाद चलता आ रहा था? पहले दिन में विवाद हुआ है, किस बात को लेकर? क्या नहीं, कभी पहले काफ़ी टाइम पहले होगी थी, वो फैसला करवा दिया था इनका, जो है तलमन मुजोरी होगी थी आपस में बस, और कुछ नहीं। तो बताया जा रहा है होमगार्ड भी इसमें है? हाँ, वो एक होमगार्ड में है, जो है वो कटारे का लड़का है, उसके बाप भी होमगार्ड में था, बाप है नहीं, अब दोनों भैया तो वो हैं और एक और है। तो भैया भतीजा है मेरा जो, क्या नाम है? रूपक। क्या